कोरोना न फैले इसलिए पीड़िता के गांव में मीडिया को नहीं करने दिया जा रहा प्रवेश। हाथरस कांड में सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। युवती के साथ हुई दरिंदगी मामले में सरकार किसी दोषी को नहीं बख्शेगी। विपक्ष जानबूझकर राजनीति कर रहा है, क्योंकि सरकार की अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है। घटना पर संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवार को तत्काल 25 लाख रुपए व आवास की मदद की गई। भाजपा सरकार ने माफियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। वास्तव में दुखद घटना है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी बात को संज्ञान लेते हुए उनके लिए 25 लाख रुपए की सहायता राशि दी है, आवास दिया है और मुलजिम भी गिरफ्तार हो गए। कहने का भाव मेरा यह है कि सरकार के जो कानून है, न्याय का राज है, जो गलत काम करेगा वो दंडित होगा। तो पूरी तरह से प्रदेश में आप अभी देख रहे हैं, पूरे जितने भी माफिया हैं, जितने भी गुंडे हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो इसमें भी जो है जिन्होंने ये गलत काम किए हैं उनको दंडित होगा। भाजपा के एक सांसद एक विधायक ने बाकी अधिकारियों पर सवाल उठाया, कार्रवाई होगी? जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस तरह प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कल इस मामले में बहुत तगड़ा स्टैंड लिया है, क्या लग रहा है कांग्रेस में राजनीति कर रही है? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यहाँ उत्तर प्रदेश में आ गए, राजस्थान में भी तो घटना घटी है, राजस्थान में नहीं गए वो, वो यहाँ आए। कहने का मतलब यहाँ तो पूरी तरह से न्याय हो रहा है। जो भी है वो पूरी जनता इस बात को जानती है कि कोई भी जो चूक करेगा, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो या छोटा हो, कोई जात मजहब कोई भी होगा, जो गलत होगा वो दंडित होगा। नेताओं को रोका गया, चलिए वो कुछ करा सकते हैं, मीडिया क्यों रोका गया? मीडिया को रोका गया, मीडिया को वहां जाने से रोका जा रहा बराबर हो गया था। अच्छा कोई ना, क्या पुलिस वालों को कोरोना हो गया था? अच्छा अच्छा, हाँ उस गाँव में बताइए कोरोना हो गया उसको ना। बस NBC न्यूज के लिए मैनपुरी से मोहम्मद आसिफ के।